फ्रेंड्स, अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, आप अपने जैसे जो लेडीज़ हैं वो अपने पति का नाम ऐड करवाना चाहती हैं या अपने पिताजी के नाम में किसी तरह का सुधार करना चाहती हैं, तो उसके लिए जो फॉर्म भरा जाएगा वो किस तरीके से भरा जाएगा वो मैंने इस वीडियो में बताया है। आप एक काम करें, बैंक में जाएं, आधार कार्ड की कॉपी, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपको पति का नाम ऐड करवाना है, और अपने पासबुक की कॉपी लेके जाएं। आइए मैं वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म भरा जाना है। इसकी एक कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखी हुई है, आप वहाँ से भी इस कॉपी को निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एसबीआई का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट देखी होगी, तो यहाँ पर आपको डेट भरनी है, तो डेट मैं आज की लगा देता हूँ। उसके बाद आपके कस्टमर का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट से जुड़े होना चाहिए, उसके बाद आपके अकाउंट नंबर, उसके बाद आपकी जो जो भी ब्रांच है वो यहाँ पर आपके ब्रांच का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी पत्नी का नाम जुड़वाना है, तो यहाँ पर एड फादर या एड स्पॉन्सर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके अगर आप पत्नी का नाम आपके अकाउंट से जुड़वाना चाहते हो तो आपकी पत्नी का यहाँ पर नाम लिख देना है, और यहाँ पर आपकी आपका साइन आ जाएगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी इसके पीछे लगा देना है, और ये को बैंक में सबमिट करवाना है। तो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।